सबको जय मसीह की। मेरा नाम बीमल है। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग नहीं है, सब लोग जानते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कोरोना वायरस को लेके थोड़ा बात करेंगे। कोरोना वायरस अभी हमारा देश में भी आ गया है, इसीलिए हमारा देश के जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग घबराहट में है, बहुत सारे लोग घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट भी बोलता है कि अभी हम जितना हो सके घर में रहे। लेकिन एज ए क्रिश्चियन होने के नाते हमारा पहला काम क्या है? सबसे बड़ी बात यहीं पे है कि जब हम ऐसे नॉर्मल जीवन जी रहे थे, जैसे कि बहुत सारे जो लोग जॉब करते हैं सुबह वो लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज, जो डेली लाइफ था वो थोड़ा अभी रुक गया है इस वायरस के नाते। तो सभी लोग अभी घर में हम सब लोग हैं। तो जब हम सभी लोग अपना फैमिली लोग जब हम घर में है तो घर बैठे बैठे हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात, सबसे पहला वाला बात है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रार्थना करना चाहिए इस वायरस के लिए। उसके बाद आता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें, क्योंकि अभी तो कोई काम भी नहीं है, गवर्नमेंट ने मना किया है बाहर जाने के लिए, कॉलेज ऑफिस सब बंद है। तो अभी क्या करना चाहिए हमें? ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमें बाइबल पढ़ना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है एवं प्रभु के साथ बाइबल पढ़ना है, ताकि हमें और भी जानकारी बाइबल के थ्रू मिल सके। और सबसे ज़्यादा है कि हम अपना समय जो पहले स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाने में बिताते थे, अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपना फैमिली के साथ वो समय बिताए। उसके बाद आता है कि उसके बाद भी हम फैमिली सब मिल के प्रभु में समय बिताए, प्रार्थना करें, गाना गाए, उसके आराधना करें और उनके लिए प्रार्थना करें। इस वायरस के कारण से जिसका जॉब चला गया, जो लोग काम करते थे, जो लोग डेली ऐसे काम करके जो पैसा मिलता है वो ला के उन लोगों का फैमिली चलता था, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक बंदे के लिए, हर एक लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, हर एक उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए जो इस वायरस के कारण उन लोगों को बहुत सारा घटा हुआ है, जिसका नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों को इसमें तकलीफ हो रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे सोसाइटी के लिए नहीं, पूरा देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, पूरा वर्ल्ड में इस वायरस के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये जो मसीह ही नाते, जब हम मसीह है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो हमारा काम यही है कि घर बैठे बैठे हम प्रार्थना करें, प्रभु में समय बिताए, फैमिली के साथ समय बिताए, फैमिली के साथ हम प्रार्थना में बैठे और हर एक लोगों को जो लोग इस वायरस के वजह से उनका जॉब चला गया उनको हम शामिल करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है। हम ऐसे घर में ऐसे पड़े नहीं रहेंगे, हमें हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो आप सबको आशीष करें। आमेन।